दौरा जो आप देख रहे हैं डलिया, ये सब भैया के छेका का है गाइस, और कितना ही मस्त लग रहा है ना। ये देखो इस सब में सुबह से दवा एक बार भी नहीं खाए, होम्योपैथी वाला जो गिल्टी का दवा लाए थे ना, मतलब कि एक दिन में चार बार खाना होता है, 10-10 गोली 2 सीसी में। इसमें दूध है और इसका बनेगा खीर जैसे मैंने आपको बताया, और ये पनीर का सब्जी बनेगा गाइस, इसमें मसाला है पनीर द फ्राई। और गाइस आज ढोलू पूरा 6 मंथ का हो चुका है, जी हाँ पूरा 6 मंथ का हो चुका है। और हम लोग में ऐसा रस्म होता है कि बच्चा जब भी 6 मंथ का हो जाता है ना तो उसको ये रहा दवा जो कि होम्योपैथी का है, मैं आपको दिखला देता हूँ। ये देखो गाइस फिलहाल बड़ी मम्मी के रूम में आ चुके हैं, मतलब कि ग्राउंड फ्लोर में, और इधर मम्मी दीदी सभी लोग सोए हुए हैं, मतलब आराम कर रहे हैं सोए हुए क्या, और इधर ढोलू है। और देखो ये वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल चाल है आप सभी के, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस अभी का व्लॉग थोड़ा लेट से स्टार्ट हो रहा है, और अभी टाइम हो रहे हैं शाम के 6:30 बज रहे हैं, सो गुड इवनिंग। और गाइस आज ढोलू पूरा 6 मंथ का हो चुका है, जी हाँ पूरा 6 मंथ का हो चुका है। और हम लोग में ऐसा रस्म होता है कि बच्चा जब भी 6 मंथ का हो जाता है ना तो उसको पहला जो अन्न होता है ना वो मिठाई खिलाना चाहिए, और खीर हो गया तो आज पूरा 6 मंथ का वो हो चुका है तो उसको खिलाना है खीर। तो चलते हैं, पहले तो दूध लेना है, पनीर लेना है, और खीर का चावल घर में अवेलेबल है गाइस, तो 2-3 सामान है वो जल्दी से लेकर आते हैं, और टाइम तो अभी 6:30 बज रहा है गाइस, तो चलते हैं जल्दी। ऑलराइट गाइस सामान लेकर आ चुके हैं, और ये देखो ये रहा पनीर, और ये 1.5 किलो दूध है गाइस जिसका ही बनेगा खीर, और इसका बनेगा पनीर का सब्जी गाइस। फिलहाल दीदी यहाँ पर प्याज कट कर रही हैं, तो चलो। और मम्मी नीचे गई हुई है बिकॉज भाभी तो घर पे आ चुकी है, अगला संडे को भाभी आ गई थी, अपने मायके गई हुई थी, और आज भैया भी आया है, और बड़ी वाली दीदी मतलब कि गुड़िया दी है जो चचेरी दीदी हम लोग की, वो भी आज आई हुई है, शायद भाभी से मिलने आई होंगी पता नहीं हमको, तो नीचे है तो मम्मी वहीं पे गई हुई है गाइस। सही गाइस फिलहाल मम्मी आ चुकी है नीचे से, और ढोलू यहाँ पे सोया हुआ है इसीलिए धीरे बोल रहे हैं क्योंकि अभी तुरंत सोया है, तो दीदी गई है खाना बनाने के लिए, और टाइम अभी देख लो 7:10 हो रहा है गाइस, 7:10 हो रहा है। चुपो ढोलू सोया हुआ है, नहीं दिख रहा तुमको, धीरे बोलो धीरे, क्या बोल रही है बोलो। मैं बोल रही हूँ कि मैंने पलाया था गाइस, इसको मतलब होता है ना कि फुटेज खाना वीडियो में आना बस वही है, कोई काम रहता है कोई काम रहे या ना रहे, जब भी देखती है हमको वीडियो बनाते हुए टोक देती है मामा माँ, बिकॉज इसको वीडियो में आना होता है गाइस, बस वही काम है और कुछ नहीं, जान मुझ पर टोकती है। क्या सही बोल रहे ना, हाँ फिलहाल ढोलू यहाँ पे सोया हुआ है, और मम्मी नीचे से आ चुकी हैं, और दोनों मम्मी और दीदी मिलकर बना रही हैं उधर खाना। गाइस फिलहाल इसमें दूध है, और इसका बनेगा खीर जैसे मैंने आपको बताया, और ये पनीर का सब्जी बनेगा गाइस, इसमें मसाला है पनीर उधर फ्राई हो चुका है, और फिलहाल इधर मम्मी सान रही हैं आटा, और ढोलू उठ चुका है गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं 5 मिनट भी सोता नहीं है ठीक से, और अपनी को दीदी दूध पिला रही है गाय का, और गर्मी इतना ज्यादा है ना कि मतलब क्या ही बोले, बच्चा सोएगा कैसे, और वैसे भी बच्चा ऐसा है कि 5 मिनट भी ठीक से सोता नहीं है। फिलहाल दीदी इधर पिला रही है अपनी को दूध, और इधर है ढोलू दूध पी रही है, दूध नहीं पीना चाह रही है बताइए, और ढोलू को देखिए अभी ढोलू खाने वाला नहीं है तो एकदम खाने के लिए छपटता है खाना पे, जब खाने वाला हो जाएगा ना तब खाएगा नहीं ऐसा हमको लगता है, सभी बच्चा का ऐसा होता है गाइस। अपनी भी पहले ऐसे ही थी, खाने पे झपटती थी, पर अब बड़ी हो गई जब खाने लायक हो गई तब खाते ही नहीं है भाई साहब। और एक बात गाइस, गर्मी हद से ज्यादा बढ़ गया है गाइस, भयंकर गर्मी लग रहा है सुबह से ही, मतलब सुबह में तो खैर धूप था गाइस, बट 2-3 बजे के बाद बादल मतलब पूरा आ गया, और धूप तो गायब हो गया, बट इतना गुमसाया हुआ था गाइस, इतना गुमसाया हुआ था कि इतना गर्मी लग रहा था, एक पत्ता तक नहीं हिल रहा था, और ना अभी हिल रहा है, और अभी भी बाहर बादल ही घिर रहा है गाइस, पर गर्मी हद से ज्यादा है, हद से ज्यादा है। hey फिलहाल खीर बन चुका है, सब्जी बन चुका है, और अभी मम्मी बना रही है रोटी, और ये देखो ये है खीर जो कि गर्म है गाइस, और इसमें है पनीर का सब्जी। फिलहाल तो मम्मी रोटी बना रही है, और रोटी बनाने में भाई साहब हालत खराब हो जाता है, जो धाम मारता है ना गाइस उसमें जो धाम मारता है उस हवा में से क्या ही बोले, और मम्मी का देखो यार पूरा फेस भयंकर वाला गर्मी है यार, बाहर तो थोड़ा सा भी हवा नहीं बह रहा, थोड़ा सा भी नहीं। सही गाइस फिलहाल खाना बन के रेडी हो चुका है, बस रोटी अभी नहीं बना है, मतलब कि बनी चुका है आधा आधा बचा हुआ है, और ये देखो ये रहा सब्जी पनीर का जो कि मम्मी निकाल रही हैं, और
इसमें है खीर गाइस, जो कि इधर मम्मी निकाल के रख चुकी हैं। फिलहाल रोटी भी निकल चुका है, बस थोड़ा सा भी और रोटी बचा हुआ है। और गाइस गर्मी में भाई सब रोटी बनाना सबसे बड़ा टास्क होता है यार, जो ही तावा में से मतलब धा फेंकता है क्या ही बोले, भयंकर वाला यार। गर्मी में रोटी बनाना सबसे बड़ा टास्क है, सबसे बड़ा। और ये देखो रोटी कितना ही मस्त फूल रहा है ना, और मम्मी का हालत देखो भाई साहब। फिलहाल खाना निकल चुका है गाइस, रोटी है, खीर है और ये है पनीर का सब्जी। तो चलते हैं अब खाना खाने के लिए। सो हे गाइस, फिलहाल डिनर कंप्लीट हो चुका है, सभी लोग खा चुके हैं और टाइम अभी 10:30 बज रहा है। सो चलते हैं सोने के लिए और मिलते हैं आपसे सीधा कल सुबह में। और कल अवनी का स्कूल बंद है, बिकॉज सैटरडे और संडे को अवनी का स्कूल ऑफ रहता है गाइस। तो चलो मिलते हैं आपसे सीधा अब कल। The next day. Hello everyone, फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। और अभी थोड़ी देर पहले ही मार्केट गए थे, मार्केट से वापस आ चुके हैं और पापा नहा धोकर कर चले गए दुकान में। और गाइस भयंकर वाला गर्मी यार, भयंकर वाला गर्मी। ये देखो आज तो थोड़ा बहुत हवा चल भी रहा है, बट कल तो एक पत्ता तक नहीं हिल रहा था। आज तो थोड़ा बहुत देखो हिल भी रहा है झंडा वगैरह, बट कल बहुत ही भयंकर गर्मी था। कल रात में नींद भी नहीं आ रहा था, 3 बजे कल रात में सोए, इतना गर्मी लग रहा था क्या ही बोले। खैर कोई नहीं, फिलहाल नहा धोकर कर रेडी हो चुके हैं और अभी टाइम 12:30 बज रहा है। सो चलते हैं खाना खाने के लिए, बिकॉज फिर जाएंगे दुकान में, फिर पापा नहा धोकर गए तो फिर खाना खाएंगे, फिर आराम करेंगे, फिर 4:30 बजे पापा आ जाएंगे। और सच में बहुत गर्मी है गाइस, भयंकर वाला गर्मी लग रहा है। और मैं आप लोग को शुरू से बोलता रहा और अभी भी बोलूंगा गाइस कि ज्यादा जरूरी काम हो तभी आप लोग घर से बाहर निकले 11 से लेकर 4 बजे तक। अगर उतना जरूरी काम ना हो तो बाहर बिल्कुल भी मत निकलिए गाइस, क्योंकि बाहर भयंकर वाला ही धूप चल रहा है, भयंकर वाला धूप। अभी थोड़ी देर पहले ही मार्केट से आया, उसके बाद फिर सीधा नहा लिए, ब्रश भी नहीं किए, पहले गए नहाने के लिए, उसके बाद आकर फिर ब्रश किए और अभी भी पसीना आ ही रहा है। बट गाइस आज मौसम सच में थोड़ा सा सही है, ज्यादा नहीं थोड़ा सा सही है यार, हवा बह रहा है, सच में बहुत राहत मिल रहा है यार। बट गर्मी फिर भी है यार, देखो पसीना आ रहा है। खैर कोई नहीं, चलते अब खाना खाने के लिए। और गाइस सुबह से दवा एक बार भी नहीं खाए, होम्योपैथिक वाला जो गिल्टी का दवा लाए थे ना, मतलब कि एक दिन में 4 बार खाना होता है, 10-10 गोली, 2 CC मिला गाइस, तो दोनों में से 10-10 गोली खाना होता है, बट आज एक बार भी नहीं खाया और टाइम 12:30 बज रहा है। तो गाइस ये रहा दवा जो कि होम्योपैथिक का है, मैं आपको दिखला देता हूँ। ये देखो गाइस, इसमें से 10 और इसमें से 10। और गाइस इसमें हल्का अल्कोहल भी मिला होता है, ऐसा हमको लगता है गाइस, बिकॉज जब भी दवा खाते हैं ना तो वैसा हल्का हल्का मतलब टेस्ट आता है और या फिर खुशबू कह सकते हैं। बट होम्योपैथिक में तो शायद से कि अल्कोहल का मात्रा होता है थोड़ा बहुत, बट कोई नहीं गाइस। और अभी एक मंथ से दवा खा रहे हैं तो हल्का फुल्का तो फर्क पड़ रहा है गिल्टी में, क्योंकि पहले टाइट था अब थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। तो कोई नहीं, दवा खाते हैं उसके बाद चलते हैं खाना खाने के लिए। सही गाइस, फिलहाल चलते हैं अब खाना खाने के लिए। और खाना में आज है चावल दाल है, पापड़ है और केला का भुजिया है गाइस। तो चलते हैं खाना खाते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं दुकान में। सही गाइस, फिलहाल खाना कंप्लीट हो चुका है और मम्मी भी नहा चुकी है और कपड़ा पसार रही है, और धूप तो आप लोग देख ही सकते हो। देखो भाई खाली पैर छत पे आया ना, पूरा पैर जल रहा है, इतना भयंकर धूप है। बट हल्का फुल्का हवा है, जिसका मतलब उतना कोई फायदा नहीं है, गर्मी लग ही रहा है। फिलहाल तो चलते हैं दुकान में, बिकॉज टाइम भी 1 बज रहा है गाइस। लो जी लो, दुकान में आए तो काफी टाइम हो चुका है और अब 4:30 बज रहा है, तो चलते हैं और पापा आ ही रहे हैं गाइस, पापा का आवाज आ रहा था तो चलते हैं। तो हे गाइस वेलकम बैक, घर में आ चुके हैं और ऊपर अभी कोई नहीं है, मतलब कि सब नीचे वाले फ्लोर पर है, मम्मी दीदी और पापा भी नीचे ही सो रहे थे, बिकॉज गर्मी बहुत ज्यादा है। उसमें तो जो भी हवा बह रहा था ना, अब वो भी हवा रुक चुका है एकदम, मतलब कल वाला हो गया सीन गाइस, धूप निकला हुआ है भयंकर वाला और हवा बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, और पंखा में से मतलब इतना गर्म गर्म हवा फेंकता नहीं, इसलिए पापा मम्मी सब लोग दीदी लोग सब लोग नीचे गए हुए हैं। और भाभी लोग हैं और भाभी की सिस्टर भी आई हैं छोटी वाली, तो वो लोग भी हैं नीचे ही, सब लोग बात कर रहा है। और अभी हम तुरंत घर में आए हैं, बिकॉज 4:30 बज रहा है और बाहर का मौसम देखो, जो भी हवा बह रहा था अब थोड़ा सा भी हवा नहीं बह रहा है, और धूप बहुत भयंकर वाला है, गर्मी भयंकर वाला लग रहा है यार। और इसी वजह से कहीं जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, बिल्कुल भी मन नहीं करता है यार, भाई साहब तगड़ा गर्मी लग रहा है। और गाइस पूरा टी शर्ट भींग चुका है, वो तो कलर ही ऐसा है टी शर्ट का कि पता नहीं चल रहा है, बट फील हमको हो रहा है यार, बहुत अजीब सा फील हो रहा है। तो चलते हम भी नीचे थोड़ा हवा खा लेते हैं ठंडा ठंडा। गाइस नीचे इसलिए ठंडा हवा देता है बिकॉज वो ग्राउंड फ्लोर है और ये फर्स्ट फ्लोर है ना, इसके ऊपर घर नहीं बना हुआ, छत है, तो ऊपर मतलब जितना भी दिन भर का धूप पड़ता है ना, उसका गर्म गर्म हवा फेंकता है, और ये जो दीवार देख रहे हो ना ये सब गर्म है, और नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है तो उसमें ठंडा हवा इसलिए देता है पंखा से, मतलब कि ग्राउंड फ्लोर के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे घर बना हुआ है गाइस,
तो नीचे मतलब गर्म हवा नहीं देता है क्योंकि ऊपर घर बना हुआ है, तो जो भी है भाई साहब तगड़ा हवा नीचे देता है और ऊपर गर्म गर्म हवा देता है। सो गाइस फिलहाल बड़ी मम्मी के रूम में आ चुके हैं, मतलब कि ग्राउंड फ्लोर में, और इधर मम्मी दीदी सभी लोग सोए हुए हैं, मतलब आराम कर रहे सोए हुए क्या, और इधर ढोलू है, और देखो ये बड़ी मम्मी के रूम है। वैसे मैंने दिखला रखा है गाइस ये नीचे का ग्राउंड फ्लोर भी बड़ी मम्मी का रूम, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल में जाकर चेकआउट कर लेना, आपको मिल ही जाएगा। और घर का कलर भी बहुत मस्त है ना, पिंक और व्हाइट। फिलहाल तो मम्मी लोग आराम कर रहे हैं, थोड़ा हम भी अपना टी शर्ट सुखा ले यार, भयंकर गर्मी लग रहा था। ऊपर नीचे भाई पंखा में बहुत राहत है, बहुत ज्यादा ठंडा ठंडा हवा आ रहा है। ये सब दौरा जो आप देख रहे हैं डलिया, ये सब भैया के छेका का है गाइस, और कितना ही मस्त लग रहा है ना। ये देखो ये सब में मिठाई वगैरह फल वगैरह ये सब था, छेका का था गाइस, बहुत ही मस्त लग रहा है। और सभी लोग अभी अपने अपने रूम में है, और यहाँ पर बिपू है और यूबी है। बिपू आया था तो बोला यूबी को बुलाने के लिए, तो फिर यूबी को लेकर आए। जब भी आता है ना तो यूबी को बुलाता है, बिकॉज अकेले इसको मन ही नहीं लगता है। सही गाइस फिलहाल नीचे से ऊपर आ चुके हैं, वैसे आ तो बहुत पहले ही गए थे, और टाइम अभी 9 बज रहा है, तो 9:30 बजे पापा की दुकान बढ़ा देंगे। और गर्मी सच में बहुत ज्यादा है, और ये जो देख रहे हो ना उजला उजला, ये सब पसीना से हो गया गाइस, सोच लो भयंकर लग रही है। फिलहाल तो दीदी बना रही है यहाँ पर खाना, और खाना में बना रही है दलपिट्टी, जो कि सिर्फ पापा के लिए बना रही है, क्योंकि अभी बनाई है बैगन और आलू का सब्जी गाइस, जो कि पापा बैगन नहीं खाते बिकॉज पापा को एलर्जी है, डॉक्टर मना किए हैं बैगन खाने से, दही खाने से, या फिर ठंडा कोई चीज खाने से, या फिर ठंडा पानी खाने से, तो एलर्जी है पापा को गाइस। तो दीदी अभी पापा के लिए बना रही है दलपिट्ठी, और ये देखो इसमें है दलपिट्ठी है गाइस। और उधर दीदी बना रही है रोटी, जो कि अभी रोटी में मतलब रिफाइन लगा रही है, और इधर रोटी बन चुका है और सब्जी भी उधर बन चुका है। और मम्मी ढोलू को लेकर बाहर, बिकॉज थोड़ा थोड़ा हवा बह रहा है तो बाहर मम्मी बैठी हुई है, बट फिर भी घर में ना एकदम हवा नहीं आ रहा है, एकदम मतलब अजीब सा लग रहा है, तो जा रहे बाहर ही बैठते हैं। सो गाइस अवनी ऊपर आ गई, बिकॉज अवनी नीचे ही अभी खेल रही है। भाभी की सिस्टर आई है ना, और सिस्टर के साथ एक और छोटी बच्ची आई है, तो इससे थोड़ी बड़ी है, तो मतलब दोनों बहनी है, तो उसी के साथ ये खेलने में, हाँ इससे थोड़ी बड़ी है, तो उसी के साथ दिन भर मतलब जब से आई है ना तब से मतलब दोनों साथ में ही घूम रहे हैं, खेल रहे हैं। और उस समय तो ऊपर लाई थी और सबको मतलब बतला रही थी कि ये मामा घर है, ये मौसी का घर है, तो ये इसका इसमें हम रहते हैं, मतलब क्या ही बोले बताओ। अभी फिर से जा रही है नीचे, एक बार भी ऊपर नहीं आई है, थोड़ी देर के लिए आती है और फिर अब जा रही है नीचे, बताओ। और मम्मी भी अंदर आ चुकी है ढोलू को लेकर, और खाना अब बन चुका है गाइस। सही गाइस फिलहाल खाना बन के रेडी हो चुका है, पापा की दुकान पर आकर आ चुके हैं, और टाइम अभी 10 बज रहा है, तो चलते हैं अब डिनर करने के लिए। और गाइस अभी कहीं भी बाहर नहीं जा पा रहे बिकॉज इतना गर्मी और इतना धूप कड़ा रहता है ना कि हिम्मत ही नहीं होता है कि घर से बाहर कदम रखे। और सुबह में भी गए थे सामान लाने के लिए दुकान का, भाई साहब इतना गर्मी मतलब हिम्मत नहीं होता है कि फोन निकाल कर ब्लॉगिंग कर पाए गाइस। और सामान भी मतलब एक दुकान से लेना नहीं रहता है गाइस, 4-5 दुकान से लेना रहता है, तो कहाँ का मतलब ये तो रोड क्रॉस कीजिए फिर उसमें ब्लॉगिंग करना नहीं हो पाता है, वापस इतना भयंकर गर्मी, हिम्मत बिल्कुल भी नहीं होता है, जैसे तैसे जल्दी सामान लेकर वापस आते है गाइस, तो बहुत ही दिक्कत है, बट क्या ही करे गर्मी ही बहुत भयंकर है यार, भाई साहब। तो चलो चलते हैं अब खाना खाने के लिए, इस ब्लॉग को अभी करते हैं एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल कर लेना सब्सक्राइब, और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना गाइस, जिससे कि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलो मिलते हैं आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइस। बट कोई नहीं गाइस, और अभी तो मतलब एक मंथ से दवा खा ही रहा है, तो और गाइस अभी एक मंथ से दवा खा रहे हैं।